नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने साले का गम भूल भी नहीं पाए कि टीकमगढ़ विधानसभा के वर्तमान भाजपा विधायक के श्रीवास्तव ने एक आरोप लगा दिया। आरोप भी इतना गंभीर लगाया कि भाजपा में टिकट बेची जाती है, वो भी किसी और पर नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा पर। आइए सुनते हैं क्या कहा के श्रीवास्तव ने। वही तो मंथन चल रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हूँ कि मेरा टिकट कटा क्यों? अगर मेरा परफॉर्मेंस, मेरी सर्वे रिपोर्ट खराब गई तो उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह की कैसी ठीक चली गई कि बेच जीत रहे? और जिसने दो दो बार नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर रहते हुए 400 बीसी के प्रकरण बनवा करके अपनी पत्नी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया हो, जिसके ऊपर पद के दुरुपयोगता के केस चल रहे हों, जिसके खिलाफ अवैध कॉलो नजर के प्रकरण चल रहे हों, प्रधानमंत्री आवास में जो 30-40 हज़ार रुपये रेट्स खुला हुआ हो, उसका परफॉर्मेंस, उसकी सर्वे रिपोर्ट कैसे ठीक चली गई? जो आदमी प्राण लगा करके जनता के बीच में खड़ा रहा हो, सहजता के साथ, सरलता के साथ काम में जुटा रहा हो, एक नए पैसे का कोई भ्रष्टाचार का आरोप ले, उसका परफॉर्मेंस खराब था। अरे सही बात तो ये है कि बस मेरे पास लक्ष्मी नहीं थी कि मैं वो दे पाता। ये टिकट टीकमगढ़ का बिका है। तो क्या आप मानते हैं कि जो टिकट वितरण हुआ है वो पैसों के लेन देन को लेकर? नहीं, ये टीकमगढ़ का टिकट बिका है और करोड़ों का सौदा हुआ है, इसमें करोड़ों का सौदा हुआ है। कौन से बोल रहे? सबको पता है, टीकमगढ़ की जनता जानती है, लोग जानते हैं। और मैं कहना नहीं चाहता हूँ, एक ही व्यक्ति पैरवी कर रहा था, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, जिसने ये पैसा लिया है। अब आपका क्या निर्णय होगा? कार्यकर्ता बैठे हैं, शुभचिंतक बैठे हैं, 40 साल मारे, मैं सन 78 से स्वयं सेवक हूँ, 82-83 से विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा हूँ। जिस समय पार्टी टीकमगढ़ में टूट रही थी, उमा भारती जिस समय रामरोटी यात्रा को लेकर निकली थी, जनशक्ति पार्टी बनाई थी, उस समय नगर पालिका अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी, जिला भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी, तब टीकमगढ़ जिला उनका होम डिस्ट्रिक्ट होने के नाते, गृह जिला होने के कारण सबसे ज्यादा मार यही थी। उस समय पार्टी को बचाने के लिए खून पसीना लगाया, मेरी हत्या तक की स्थितियां बन गई थी, मेरे ऊपर चारित्र का आरोप लगाने के लिए प्रकरण क्या होगा? जैसे आपको टिकट नहीं दे रही है पार्टी, तो क्या पार्टी से बात करेंगे आप? ये कार्यकर्ता तय करेंगे, मेरे शुभचिंतक, मेरी पार्टी के शीर्ष नेता जो यहाँ की पार्टी के चेहरे हैं, ये कांग्रेस से आने वाले लोग नहीं है, ये चाटुकार और पैसे के दम पर पैराशूट से उतरे रेडीमेड नेता नहीं है, वो नहीं है, हमारे पुराने चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के झंडा है, भारतीय जनता पार्टी के, उनको देखकर ही चुनाव चिन्ह याद आ जाता है कि ये है भाजपा। उनके आधार पर वो जो तय करेंगे, कार्यकर्ता तय करेंगे कि मुझे निर्दलीय फार्म मंगाया है, निर्दलीय लड़ना होगा तो ये सब कहेंगे तो निर्दलीय भी लड़ूंगा, अगर किसी पार्टी से भी कहेंगे, जैसा कहेंगे, भाजपा को किसी एक घर की रखेल नहीं बनने दूंगा।